गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है क्या? बोलो फटाफट से, बोलो। चलो बोलो फटाफट से, आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी 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 बोलो, जल्दी 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 बताएंगे। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एसपी के रिवीजन से स्टार्ट करेंगे फिर से। डे थ्री 2 दिन तो हो गए हैं। ओसी के भी आज थर्ड डे हो गया है और आज एसपी का भी थर्ड डे है। अब डायरेक्टली हम मिलेंगे 10 तारीख को। 10 तारीख को मिलने वाले हैं। इसके बाद तो जितना इंडेक्स पे एक बार जाते हैं हम लोग, इंडेक्स पे एक बार जाएंगे। यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है, सेकंड चैप्टर खत्म हुआ है और इसी के साथ साथ अपना कल थर्ड चैप्टर भी खत्म हुआ था। प्लस 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 6 चैप्टर, 7 चैप्टर एंड 8 चैप्टर भी खत्म हो गए थे, राइट? अगर आपको ध्यान में रहेगा तो ये सारे चैप्टर्स अपने खत्म हो गए थे। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद दी फोर्थ चैप्टर, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। कौन सा चैप्टर? इशू ऑफ डिबेंचर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप मेरे को फटाफट से बताएंगे क्या आप लोग रिवाइज कर रहे हैं क्या? घर पे जाके रिवाइज कर रहे हैं क्या? ओसी का पेपर ओसी है, उसी के साथ साथ अपना एसपी भी है। बहुत लोगों का मैथ्स भी होगा तो बहुत बच्चे मैथ्स भी रिवाइज कर रहे रहेंगे। मैथ्स का खौफ रहता है ना, पता नहीं क्यों बच्चों को, लेकिन हमारे क्लासेस के तो जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल डर नहीं रहेगा। जहाँ तक मुझे याद है बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि श्रुति मैम तो है ना, तो डरने की बात नहीं है। रिवाइज कर रहे हैं आप लोग? आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। कल अपन लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स। यस, पूरा पूरा रिवाइज कर रहे हैं अभिनव। अब सीएमए का पढ़ाई कर लूँ तो अच्छा है फिर तो, है कि नहीं? ओके ओके, चलो। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स तो देखा था हम लोगों ने, अब हम देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब क्या था? फिर से फटाफट से बताएंगे डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर्स क्या होता है यार? मंडे मोटिवेशन यार, ऐसे मत करो। यस, वाइफ हियर व्हेन श्रुति मैम इज हियर। यस एग्जैक्टली, डिबेंचर्स का मतलब बताओ। चलो अभी मेरे को फटाफट से डिबेंचर्स का मतलब बताओ। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, जो तुम लोग बोलते हो, बराबर है कि नहीं? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट है कि नहीं? अच्छा, अब ये जो डिबेंचर्स है ये कितने पीरियड के लिए चल रहा है? लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं? बराबर है कि नहीं? आपको याद रहेगा, आपको ध्यान में रहेगा, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। चलो अब मेरे ख्याल से तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपको डिबेंचर्स का मतलब क्या है वो देखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ये देखेंगे। उसी के साथ साथ पहले मेरे को ये बताएं कि जो मैंने आप लोगों को होमवर्क देखने बोला था वो होमवर्क आपने देखा था या नहीं? होमवर्क जो देखने बोला था वो होमवर्क देखा है या नहीं? फटाफट फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। फॉर्मेट फॉर्मेट देख लिया आपने? टेबल इसका लेटर का फॉर्मेट देख लिया? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, स्वयं नॉट टू द कंपनी, इट इज ऑफ द कंपनी। अच्छा, लेटर्स देख लिए क्या? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर्स। मजाक नहीं कर रही मैं। एक लेटर 5 मार्क के लिए आ रहा है, एक लेटर 5 मार्क के लिए आ रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब पक्का पक्का अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं अपन लोग, है कि नहीं? पक्का अच्छे मार्क्स लाने वाले, पक्का। मंडे मोटिवेशन, यस, वील बी लाइक स्कोरिंग वेरी 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 गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। चलो स्टार्ट करें, अभी हो गया सबका, स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग लिखेंगे कौन से हमारे रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस क्वेश्चंस कौन से है, वो क्वेश्चंस पहले हम लोग लिखेंगे। चलो लिखना चालू करो। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर में, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे तो खुश मत होना ज्यादा। रिड्यूस क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर द डिबेंचर ट्रस्टी।
हु आर द डिबेंचर ट्रस्टी, हु आर द डिबेंचर ट्रस्टी, ये तुम्हारा क्वेश्चन है और ये चैप्टर में सिर्फ ये इकलौता क्वेश्चन है जो तुमको आने नहीं वाला है, बाकी सारे क्वेश्चन तुमको आने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशंस कवरिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऐसे कौन से रेगुलेशंस हैं जब तुम इशू कर रहे हो डिबेंचर्स को तो तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे, देखेंगे जल्दी से जल्दी। एक्ट या रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट 2013 आपको पता रहेगा, आप लॉ भी पढ़ रहे हो, काफी बच्चे हमारे यहाँ पे 12th प्लस फाउंडेशन भी कर रहे हैं राइट, तो आपको तो पता रहेगा लॉ है तो आकाश सर है, तो अगेन वाई फियर व्हेन आकाश सर इज योर फॉर लॉ राइट, तो लॉ है तो कंपनीज एक्ट 2013 आपने देखा है उसमें क्या प्रोविजन है, कंटेन्स प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसी के साथ साथ नेक्स्ट कंपनीज रूल 2014, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा करके तुमको आता नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये तुमको ज्यादा करके आता नहीं है, इट्स जस्ट फॉर कि अभी दिया है तो आपको पूरे मतलब स्टार्ट से तो पता होना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ, किसके लिए हुआ है कि नहीं, ये सब तो जानना पड़ेगा आप लोगों को, बराबर है कि नहीं। कंपनीज रूल 2014 कंटेन्स प्रोविजन फॉर इशू ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स, अकॉर्डिंग टू मी हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा रहेगा, अपने अगर ईमानदारी से पढ़ा रहेगा तो आपको ये भी पता रहेगा कि क्या पता रहेगा, डिबेंचर्स के कितने कितने टाइप्स है, कितने कितने टाइप्स है डिबेंचर्स के, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, कन्वर्टिबल, अनकन्वर्टिबल, ये सारे डिबेंचर्स है, ये सारे डिबेंचर्स रहने वाले हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, डिबेंचर्स है कि नहीं, तो चलो या अभिनव अभिनव राइट, आकाश सर इज ऑन होल अनदर लेवल, आकाश सर इज ऑन होल अनदर लेवल, बाकी के लोग मतलब सोचते रहेंगे कि पता नहीं मतलब कौन आकाश सर है, आकाश सर ही इज द वन मतलब लॉ टैक्स क्या तो बोलूं मैं, मतलब क्या तो एक्सप्लेन करूं मैं, बयान नहीं कर सकती कि इतने लाइक ग्रेट ग्रेट लेवल पे है। चलो जब तुम आएंगे सीए के लिए सीएमए के लिए तो तुमको डेफिनेटली समझ जाएगा कि व्हाट आकाश सर इज ऑल अबाउट एंड व्हाट आकाश अग्रवाल क्लासेस इज ऑल अबाउट। थर्ड है सेबी, सेबी का फुल फॉर्म पता रहेगा मेरे ख्याल से, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2014, इसमें कौन से प्रोविजन कवर्ड है, कवर्स प्रोविजन फॉर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर्स विच आर नॉट कन्वर्टेबल ईदर इनटू होल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। मैं फिर से बता रही हूँ ये ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन 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 सिर्फ 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 ऐसा ना हो कि मैं मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब यू नो पढ़ाया नहीं या करवाया नहीं, इसलिए मैं पूरा 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 आप लोगों को करवा रही हूँ, पूरा रिविजन करेंगे हम लोग, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे राइट। It is applicable if debentures are issued through public offer, private placement and for listed debentures. As per these provisions, company has to follow disclosure requirement as applicable to public issue of equity shares. Next guideline है SEBI regulation according 2009, पहले 2008 था, अभी क्या चल रहा है 2009 चल रहा है। Provisions for issue of debentures and listing of debentures that are convertible. ऊपर क्या था? Not convertible था. यहाँ पे क्या है? That are convertible either partially, fully or optionally into listed or unlisted equity shares. As per these provisions, a company has to follow the same disclosure norms as applicable to equity shares. Right. Next है SEBI according to 2015. Provisions which a listed company issuing non-convertible debenture perpetual debt instrument has to fulfill, the provisions relate to the various listing conditions which a company has to comply with. And last is that is RBI. RBI तो सबका भगवान है कि नहीं? RBI से तो सब शुरुआत हो रही है, right? तो meant for banks which raise capital by issuing non-equity instruments. Clear? ये सारे तुम्हारे क्या थे? रेगुलेशंस थे जो तुमको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, ये तुम्हारे गाइडलाइंस है बेसिकली जो तुम बोल रहे हो, ये तुम्हारे क्या है? गाइडलाइंस है। क्लियर? समझ में आया? अगेन आई एम सेइंग ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ आते नहीं है, लेकिन फिर से कुछ मिस ना हो इसलिए मैंने ये करवाया, ठीक है। चलो सेम फॉर द प्रोविजंस, ये तुम लोग रीड करेंगे अभी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा? नो वोटिंग राइट्स। अच्छा तुम मेरे को ये बताओ ना, एक जनरल मतलब जनरल चीज है कि डिबेंचर्स को वोटिंग राइट्स क्यों देंगे? पहली बात तो ये बताओ डिबेंचर्स कौन है? क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी है, तो उनको देंगे क्या अपन लोग वोटिंग राइट्स? ऑब्वियसली नहीं देंगे, इसलिए डिबेंचर्स को वोटिंग राइट्स नहीं देंगे।
डिबेंचर अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स. डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड सो दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट इन मैटर्स अफेक्टिंग देम. कौन से मैटर्स है जो अफेक्ट हो सकते हैं? कौन से मैटर्स है? फॉर एग्जाम्पल क्या लग रहा है तुम लोगों को, कौन से मैटर्स हो सकते हैं बताओ? हाँ, कोई भी चीज इंटरेस्ट को अगर अफेक्ट कर रही है तो फिर उनको ऑब्वियसली वोटिंग राइट मिलेंगे, क्योंकि उनका हक है ना, तो ऑब्वियसली उनको वोटिंग राइट मिलेंगे, बराबर है. फिर है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स तो तुमको पता ही है, कौन से डिबेंचर्स है? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, फुल्ली कन्वर्टिबल, अनकन्वर्टिबल, फिर नॉन कन्वर्टिबल, फिर और कौन से है? रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, बेरर, राइट. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन. अ कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर, अ कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर एंड पे इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर इशू. नेक्स्ट आया डिबेंचर सर्टिफिकेट. जैसे शेयर को अपन लोग क्या दे रहे हैं? शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं. वैसे डिबेंचर्स को क्या देते हैं अपन लोग? डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं. कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर विद इन, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि विद इन कितने मंथ्स? 6 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स के 6 months में उनको दिया जाएगा. क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. कंपनी हैज टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. दिस मनी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2019 एमसीए हैज रिमूव्ड. इंपॉर्टेंट है ये, ट्रू और फॉल्स में बोल लो या तुम नेम द फॉलोइंग में बोल लो, ये बहुत आ सकता है. एमसीए हैज रिमूव्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनीज, एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. लिस्टेड कंपनी फटाफट से बताओ क्या होती है? लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्या होंगी? बीएससी और एनएससी पे जो लिस्टेड है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? लिस्टेड कंपनी बोलेंगे. वेरी गुड. अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर. क्या क्या पॉइंट्स देखे अभी तक? नो वोटिंग राइट्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, डिबेंचर सर्टिफिकेट, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. मेरे को बताओ डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करते हैं? अच्छा, ये सारी चीजें तुमको ध्यान में आती रहेंगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर में कहीं ना कहीं तो की हुई है. जैसे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी पढ़ा है. डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करते हैं? डिबेंचर्स जब मोर देन 500 लोगों का होता है तब तुम क्या करते हैं? ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं. अ कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी एट द टाइम ऑफ मोर देन 500 पीपल. डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. कंपनी हैज टू अपॉइंट ट्रस्टी बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद देम कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड. अच्छा, ये तुमको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है. जब तुम डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हो तो उनको क्या, कौन सा डीड तुम करेंगे? तो ट्रस्ट डीड है उनका. डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी. डिबेंचर ट्रस्टी हैव टू रीड्रेस ग्रीवियंस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. इफ द कंपनी डिफॉल्ट इन रीपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मेच्योरिटी और डिफॉल्ट इन पेइंग इंटरेस्ट देयर ऑन, द डिबेंचर होल्डर कैन अप्रोच द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर रीड्रेसल. एनसीएलटी कैन डायरेक्ट अ डिफॉल्टिंग कंपनी टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट. अब मेरे को एक बात बताएंगे तुम, इन केस अभी डिबेंचर तुमने पैसे तो ले लिए, तुम इंटरेस्ट भी नहीं भर रहे हो ना ही तुम वो अमाउंट भर रहे हो वापस, तो फिर क्या होगा? मतलब मैंने तुमको लोन दे दिया लेकिन तुम ना ही मेरे को इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो ना ही तुम मेरे को जो प्रॉपर अमाउंट है लोन का वो तुम रीपे कर पा रहे हो, तो फिर मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं? जो भी तुम लोगों से मैंने सिक्योरिटी ली है, जो भी मैंने तुम लोगों से एसेट्स लिए, वो मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली बेच दूंगी मैं, ताकि मेरे को तो मेरे तो पैसे मिले ना, वो इंपॉर्टेंट है, बराबर है. तो इसमें ये काम कौन करता है? एनसीएलटी करती है. इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस व्हेन द डिबेंचर ट्रस्टी इज ऑफ द ऑप्शन दैट द असेट्स ऑफ द कंपनी आर इनसफिशियंट और लाइकली टू बी इनसफिशियंट टू रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर, इट मे अप्रोच एनसीएलटी. एनसीएलटी कैन ऑर्डर अ कंपनी टू रिस्ट्रिक्ट इंकरिंग फर्दर लाइबिलिटी सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. अब मैंने थोड़े टाइम पहले क्या बोला था कि तुमने मेरे को पैसा नहीं दिया तो मैं किसको अप्रोच करूंगी? एनसीएलटी को अप्रोच करूंगी. लेकिन अभी तुम भी क्या कर सकते हो?
एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हो रीजन स्टेटिंग कि यू आर नॉट एबल टू पे द अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो तुमने मेरे को पे करना है, जो लोन तुमने लिया है मेरे से वो तुम पे नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारा कोई जेन्युइन रीजन रहेगा तो तुम क्या करेंगे, एनसीएलटी को अप्रोच करेंगे। तो एनसीएलटी क्या करेगा, फिर एनसीएलटी मेरे पास आएगा और बोलेगा भी आगे कोई फर्दर लाइबिलिटी मत लगाओ, आगे के कोई इंटरेस्ट मत लगाओ, स्टॉप टिल ईयर, देखते हैं कुछ करते हैं वो डेफिनेटली आपको पैसा आ जाएगा, लेकिन आगे का इंटरेस्ट मत जोड़ो, क्योंकि आगे का इंटरेस्ट जोड़ते गएंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर पैसा भरना ही पड़ेगा। इसीलिए एनसीएलटी क्या बोलता है, स्टॉप फर्दर लाइबिलिटीज। और ये किसके फेवर में बात कर रहा है, फिर ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर के, तुम लोगों के बराबर। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एरर, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट देन द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर शाल बी लाइबल टू पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। कुछ नहीं, पनिशमेंट मिलेंगे अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन, कोई भी लॉ, कोई भी प्रोविजन ब्रेक किया तो फिर क्या मिलेगा इनको, पनिशमेंट मिलेंगे। सिंपल ईजी है, कुछ डिफिकल्ट इसमें, बराबर जाए आगे। चलो ये कौन से प्रोविजंस देखे थे अपन लोगों ने, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट देखा था। अब आगे जो प्रोविजंस देखेंगे वो कौन से देखेंगे अपन लोग, प्रोविजंस एज पर कंपनीज रूल 2014। ऊपर क्या देखा था फिर से बताएंगे तुम लोग, ऊपर किसका देखा था अपन लोगों ने, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और अभी क्या देखेंगे अपन लोग, रूल्स 2014 के हिसाब से, कंपनीज रूल 2014 के हिसाब से देखेंगे। चलो, इफ अ कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर्स कंपनी मस्ट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशंस। ये जो प्रोविजंस है ये कब फॉलो रहेंगे या कब तुम इसको यूज करेंगे, ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब क्या है, अभी तो ये तुमको पता ही रहेगा क्या होता है सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब, बोलो जल्दी जल्दी, सिक्योर डिबेंचर का मतलब बताएंगे तुम मेरे को फटाफट से। चलो, सिक्योर डिबेंचर सिक्योरिटी, एक एसेट, एसेट हो या दूसरी भी चीजें हो, क्योंकि सिर्फ एक एसेट ही नहीं रख सकते सिक्योरिटी के लिए, बाकी चीजें भी, गोल्ड मतलब बाकी चीजें भी रख सकते हैं। तो जब भी तुम कोई सिक्योरिटी के लिए रखते हो कुछ सा, मतलब कुछ चीजें, और मैं इन मतलब उसके बदले में मैं तुमको पैसा दे रही हूँ, दैट इज व्हाट सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड है ना, सेफ है, तुम्हारी सिक्योरिटी तो मेरे पास है ना, जो भी है वो तो सेफ ही है ना, मेरा पैसा कहीं जाएगा नहीं, सिंपल राइट। चलो, टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर, ऑल सिक्योर्ड डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। ओनली सर्टन कंपनीज लाइक कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसको मार्क करेंगे तुम लोग, इसको मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जनरल गवर्नमेंट और आरबीआई कैन इश्यू डिबेंचर बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 10 years बट नॉट एक्सीडिंग 30 years। कितने तक कर सकते हैं ये लोग, जो नॉर्मल कंपनी है वो कितने तक कर सकती है, 10 years तक कर सकती है, लेकिन जो अभी एग्जाम्पल के लिए जो इधर मैंने मार्क करके दिया हुआ है, ये जो कंपनीज है ये बियॉन्ड 10 और लिमिट कितना है उनका, 30 years तक कर सकती है। क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स, कंपनी हैज टू क्रिएट, ये जो भी बात हो रही है किसके लेके हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योर डिबेंचर्स को लेके हो रही है, ये तभी के तभी फॉलो होता है, नहीं तो फॉलो नहीं होता। कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और इट सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडिक्वेट टू कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड एंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट। इफ अ गवर्नमेंट कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर विच हैज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देन इट नीड नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन इट्स असेट्स। अगर क्या है ये एक्सेप्शन हो गया क्या, इफ अ गवर्नमेंट कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर Which has central and state government's guarantee, then it need not. अभी देखो, एक normal जो जब भी अपना transaction हो रहा है तो तुमने मेरे पास क्या रखा है, तुम्हारा कोई security के लिए चीज रखी हुई है, लेकिन 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 यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर कोई भी government company है, government company जब भी debenture issue कर रही है और किसको issue कर रही है,
अगर उस इंसान को इशू कर रही है या उस लोगों को इशू कर रही है जहां पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि ये बाबा पैसे भर देगा, तो तुमको चार्ज लगाना पड़ेगा क्या एसेट पे? नहीं, क्योंकि कौन गारंटी दे रहा है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है ना गारंटी, तो देनी पड़ेगी क्या कुछ ऐसे? नहीं। समझा? फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना? टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर। सेकेंड क्या है? क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स। थर्ड क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अच्छा तुम ही बोलो ना, अभी अपॉइंटमेंट कब होता है? सेम रहेगा क्या? क्या लगता है तुम लोगों को, सेम रहेगा क्या? बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर द कंपनी हैज टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी हैज ऑल्सो टू एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। द डीड कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड अपॉन। अलग नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ तुमको वो दिया हुआ है कि इसमें क्या रहेगा, ट्रस्ट डीड में क्या रहने वाला है वो बताया हुआ है। तो क्या रहेगा ट्रस्ट डीड? बेसिकली क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड बाय द कंपनी एंड ट्रस्टी एंड क्लियरली स्टेट्स द रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। जैसे पार्टनरशिप डीड रहती है तुम लोगों की, वैसे ही ये रहता है। जब तुम ट्रस्टी डिबेंचर ट्रस्टी के साथ कोई रिश्ता बनाते हो, बराबर है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा फिर? ऑब्वियसली ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी जिसमें क्या रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड बाय द कंपनी। समझा? चलो, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी हैज टू क्रिएट अ रिडम्पशन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट कितना, 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इन द डिबेंचर रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ईच ईयर एमसीक्यू में आ सकता है अगेन, अ सम नॉट लेस देन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st March ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। समझा? इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट जो है ना, वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझा क्या? चलो, रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, इट इज अकॉर्डिंग टू होम सेबी। क्या है यहाँ पे, क्या दिया है यहाँ पे? सेबी के हिसाब से क्या होना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी रेगुलेशन 2008। यहाँ पे कितना, कौन सा वाला रेगुलेशन चल रहा है? 2008 वाला। ऊपर अपन लोगों ने प्रोविजंस में कौन से देखे थे? 2008, 2014, 2009 भी तो देखा है। ये देखो 2009, 2015 है कि नहीं? 2008, 2009 and 2015 रेगुलेशन एक्ट 2008, रेगुलेशन 12 स्टेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड बाय द कंपनी। एज पर सेबी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर इज 75 ऑफ बेस इशू साइज, दैट इज 100 CR। तुम देखो ना, जब क्रिकेट में भी खेलते हैं तब बेस प्राइस रहता है तुम्हारा, बराबर है, उसके बाद ही तुम खरीदते जाते हो। तो वैसे सेम यहाँ पे ही रहता है कि बेस प्राइस क्या है इनका, 100 CR, बराबर। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव द 75% ऑफ बेस, हाँ 75% ऑफ बेस, नहीं तो तुम बोलेंगे 100 CR कहाँ से लेके आएंगे कोई इंसान। तो इट इज 75% ऑफ बेस। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव, द एंटायर मनी रिसीव शुड बी रिफंडेड विद इन 12 days फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। डिबेंचर इशू किए गए हैं, बराबर है, अगर तुमको लेना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 75% ऑफ बेस जो भी रहेगा इशू तुम्हारा, कितना है इशू 100 CR, उसका 75% पे करना पड़ेगा। और अगर 12 दिन में नहीं आए तो तुम क्या करेंगे, फिर से वापस रिफंड किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इशू साइज और एनी लोअर लिमिट एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर और ऑफर और ऑफर और प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे कितना है रिटेंशन, कितना है, 100% दिया हुआ है या मैक्सिमम 100% है?
मैक्सिमम मतलब 100% ही देंगे ऐसा है क्या? नहीं, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे देने के लिए, लेकिन हो सकता है कि मैक्सिमम 100 का 100 भी दे दे, बराबर है। अंडरराइटिंग, कंपनी में एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स फॉर पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे फिर से तुमको अगर याद रहेगा, रेगुलर क्लास में भी अपन लोगों ने बात करी थी, इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस, तीन अलग अलग चीजें थी। रेगुलर जब अपना क्लास भी चल रहा था तभी भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तीन अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है। ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस। क्रेडिट रेटिंग, सेबी रेगुलेशन 2018 स्टेट दैट कंपनी शुड गेट क्रेडिट रेटिंग फॉर इशूइंग डिबेंचर्स। एज पर सेबी, कंपनी इज मेकिंग अ पब्लिक इशू और राइट इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मस्ट अपॉइंट क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। कब 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 होता है पब्लिक इशू और राइट इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? राइट इशू मतलब क्या होता है? हाँ, कल ही हुआ ना राइट इशू, बोनस इशू, वो शेयर्स का हुआ। लेकिन द रेटिंग शुड बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस। यू लेट कृष्णा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो समझ गया, क्लियर? कौन से प्रोविजंस देखे एक बार बोलो, क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करना है, कौन से प्रोविजंस देखे? एक प्रोविजन जो था वो क्या है, किसको लेके? कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा प्रोविजन किसको लेके है? रूल्स है वो, कंपनी रूल्स 2014 है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा है? सेबी के अकॉर्डिंगली, समझा? तीन लोगों के अकॉर्डिंगली है, तीनों के तीनों एक दूसरे में मिक्स बिल्कुल भी मत करना, गलत हो जाएगा, समझा? और ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना बनता है, कुछ भी करो कितना भी करो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसमें से, या तो शॉर्ट नोट में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादा पॉसिबिलिटी कि शॉर्ट नोट में आएगा, मतलब हाई पॉसिबिलिटीज है कि शॉर्ट नोट में आएगा, ठीक है? तो इसका मेन जो है ना, मेन मेन हेडिंग्स, मेन मेन लाइंस और उसके अंदर का जो भी लिखवाया है ना, वो तुम सही से पढ़ेंगे ना तो तुम्हारा इजी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया क्या? ये देखो, वैसे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 कितने मार्क्स के लिए आ रहा है तुमको? 24 मार्क्स के लिए आ रहा है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। यस, क्या है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स? क्या प्रोसीजर है इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए? अभी देखो, ये मेन मेन है, अंदर का जो भी पॉइंट्स रहेगा ये एक्चुअली तुमको एक बार रीड आउट करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज वी हैव फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, 6, 7, 8 तो कल ही हो गया अपना, 9, 10, 11, 12, तो जो बड़े बड़े चैप्टर्स है ना वो अपन लोग 10 तारीख तक के लिए रखेंगे, जिसमें से 5 to 7 और डायरेक्टली 10th को है ना, 5, 6, 7 कल तो उसी का पढ़ेंगे ना तुम लोग, 9th को पेपर है उसी का, है कि नहीं? तैयारी कैसे चल रही है उसी की? बढ़िया चल रही है, कैसे चल रही है फटाफट से बताओ, कैसे चल रही है तैयारी? अगेन करण सर है तो डरने की कोई बात नहीं है, है कि नहीं? आई होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, जल्दी 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 से 12th पास आउट करो, एंड फिर जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको भी CA करना है या CMA करना है, वी आर देयर फॉर यू पीपल, राइट? तुम लोगों को पता रहेगा, वी हैव स्टार्टेड विद द एडमिशंस ऑलरेडी फॉर CA एंड CMA फाउंडेशन। CA और CMA फाउंडेशन की हमारे यहाँ पे एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्टेड है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू बैच फ्रॉम 5th of April. 5th of April से हम लोग नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं CA और CMA के लिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी रहेंगे, अगर आपके कोई रिलेटिव्स भी रहेंगे जिनको करना है CA या CMA, सो यू कैन, यू नो, आप बता सकते हो उनको, और बहुत बहुत लिमिटेड फीस रखी हुई है हम लोगों ने, बहुत कम फीस रखी हुई है। एंड अगेन, इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्वायर अबाउट एनी डिटेल्स अबाउट द कोर्सेज, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन, कौन सा नंबर है, 9545879706। हमारे बच्चों को तो लर्न भी हो गया ये नंबर, वेरी गुड।
ठीक है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, कुछ भी लगे आप कमेंट कर सकते हो या ये नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, जरूर मैं फिर से बताऊंगी आप लोगों को, ओसी का पेपर जब होगा, एसपी का पेपर जब होगा, या मैथ्स का पेपर जब होगा, या अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का जब भी पेपर होगा, डेफिनेटली डू लेट अस नो वेदर इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और आपके पेपर कैसे गए वो भी आप बताएंगे। ठीक है, चलो अब देखेंगे हमारा प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए। फर्स्ट है पास द रिजोल्यूशन। अभी ये तो तुम इधर ही लर्न कर लो, मतलब इधर ही लर्न कर लोगे, अभी के अभी लर्न कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे को तो ऐसे लग रहा है इन चारों में से ये क्वेश्चन आने का हाई पॉसिबिलिटी है ये बार, मतलब ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज है। मैं अभी भी बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो बोलना मत कि मैम आया नहीं करके, बट हाई पॉसिबिलिटी की ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग्स। सेकेंड क्या है तुम्हारा, सेकेंड है तुम्हारा होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तुम कहाँ होल्ड करते हो, एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी या समथिंग लाइक दैट, कुछ आ गया तो तब तुम क्या करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करते हो। नेक्स्ट क्या है, फाइलिंग द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, पासिंग रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। सेकेंड क्या है तुम्हारा, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। थर्ड क्या है, फाइलिंग विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट है ऑप्टेन क्रेडिट रेटिंग। ये तो ऊपर ही देखा अपन लोगों ने, ये देखो यहाँ पे ही देखा, क्रेडिट रेटिंग्स मिलने चाहिए तुम लोगों को। फिर एंटर इनटू द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, ये कहाँ देखा अपन लोगों ने, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में देखा। नेक्स्ट एंटर इनटू इशू प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर्स, लेटर ऑफ ऑफर। तीनों चीजें सेम है क्या, नहीं, प्रोस्पेक्टस अलग है, लेटर ऑफर टू लेटर अलग है, और ऑफर लेटर भी अलग है। नेक्स्ट क्या है, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितना रहेगा तुम्हारा, 75% ऑफ द बेस इशू प्राइस, दैट इज ऑफ रुपीज 100 CR, जो इशू प्राइस 100 CR से ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्या है, होल्ड बोर्ड मीटिंग्स। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स। ये तुम्हारा क्या है, प्रोसीजर है। फटाफट से एक बार प्रोसीजर बोलेंगे मेरे साथ में, तुम लोग घर पे बैठ के जोर से बोलेंगे, राइट। क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट क्या है, पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। सेकेंड क्या है, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। थर्ड क्या है, फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट ऑप्टेड क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट एंटर इनटू अंडरराइटिंग अग्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या रहेगा तुम्हारा, इशू प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर। नेक्स्ट ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, फिर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, नेक्स्ट होल्ड बोर्ड मीटिंग्स, नेक्स्ट इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, एंड लास्ट इज मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर, क्लियर हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डन। चलो नाउ फोर्थ चैप्टर भी खत्म हो गया, समझ गया क्या तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, डिपॉजिट्स। अच्छा, ये डिपॉजिट्स का सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बताती हूँ, इसके सारे क्वेश्चंस रेडी हुए, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के लिखवाऊंगी, वो भी लिखवाती हूँ, रुको जरा। सारे रिड्यूस्ड है, हाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, बाकी सब रिड्यूस्ड है, मैं दिखाती हूँ, रुको। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, फॉर एक्सेप्टिंग deposits from public. Next है explain the procedure for accepting deposits from
members. Explain the procedure for accepting deposits from public and accept the procedures. Explain the procedures for accepting deposits from members. लिखा लिखा सब लोगों ने. चलो. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स कौन कौन करता है एक्सेप्ट. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट हुम. एक्सेप्ट अ बैंकिंग कंपनी, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड सच अदर कंपनी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई. हाउ टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल्स 2014 एंड डायरेक्टर्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. ऑब्वियसली अभी यहाँ पे डिपॉजिट्स आएगा, बराबर है कि नहीं. चलो. फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट विच कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम पब्लिक. क्या है फर्स्ट वाला, फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम पब्लिक. लेकिन अपने को कौन से नहीं है, फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम पब्लिक वाले तो नहीं है ना क्वेश्चन अपने को. ये देखो ये रिड्यूस्ड है, एक चैप्टर है ना, एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन क्यों जोड़ना है. हाँ जो सबसे सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इन्होंने क्या किया ना. अच्छा अभी 20 क्वेश्चंस है. अब ये तुमको अगर आएगा 8 मार्क्स के लिए भी, 20 पॉइंट्स है ना तो 8 मार्क्स के लिए आएगा. तो अगर तुम 9 से 10 पॉइंट्स भी लिख लो ना, 10 पॉइंट्स भी लिख लो ना तो भी ज्यादा रहेगा. क्योंकि देखो तुमको इतना पढ़ के ही जाना पड़ेगा. क्यों पढ़ के जाना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट पे अगर नहीं आया तो फिर क्या करेंगे तुम लोग. हाई पॉसिबिलिटीज ना कि तुमको याद भी ना आए. तो एटलीस्ट तुमको 9 से 10 पॉइंट तो तुमको करके जाना है, फिर कहीं जाके तुम 9 पॉइंट सही से लिख पाओगे वहां पे, है कि नहीं. चलो. प्राइवेट कंपनी नहीं, सबसे फर्स्ट है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स. टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, फ्रॉम मेंबर्स, फ्रॉम पब्लिक एंड लास्ट है गवर्नमेंट कंपनी. प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट मेंबर और रिलेटिव्स और ऑफ डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट ऑफ पीरियड पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. However, certain class of private companies as specified by the companies can accept deposits more than 100% of the reserves. Samjha? Actual mein kya limit hai private companies ki? Actual mein kya limit hai private companies ki? Not more than 100% of what? It's aggregate of paid up and share capital. Aggregate matlab totaling, right? Lekin koi koi jo bhi government ne companies batai hui hai, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस रहते हैं, जो भी कंपनीज उन्होंने बताई है वो मोर देन 100% कर सकती है. नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, दिमाग में रखना है ये चीज, ये ध्यान में रखना. पब्लिक कंपनी है अदर देन एलिजिबल कंपनी, दीज कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट्स एक्सीड्स 35%. बार बार तुम डिपॉजिट्स लेते रहेंगे, लेकिन लेकिन क्या है यहाँ पे, कैनॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट्स. अगर एक्सीड 35% से ज्यादा एक्सीड कर रहा है उसके बाद तुम फ्रेश डिपॉजिट्स ले पाओगे क्या, नहीं ले पाएंगे. एलिजिबल कंपनी जहां पे फ्रॉम मेंबर्स लेते हो, फ्रॉम पब्लिक लेते हो, बराबर. यहाँ पे कितना है 10% ऑफ एग्रीगेट है और यहाँ पे कितना है पब्लिक से 25% ऑफ द अग्रीगेट. ऊपर का जो भी है वो ऑलमोस्ट सेम है सब जगह पर. और गवर्नमेंट में क्या है, नॉट एक्सीडिंग 35%. तो अगर इन शॉर्ट वैसे देखा जाए तो प्राइवेट में कितना है, प्राइवेट में कितना है, नॉट मोर देन 100%. वही पब्लिक में कितना है,
नहीं, ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे। पब्लिक कितना है इधर? क्या ठीक है इधर? ठीक है, पब्लिक कितना है? 25%। ए नॉट एक्सीडिंग है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। कितना है फ्रॉम मेंबर्स? 10% फ्रॉम पब्लिक, 25%। और वही गवर्नमेंट का कितना है? नॉट एक्सीडिंग 35%। क्लियर? समझा? चलो, पीरियड एंड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स। नो डिपॉजिट कैन बी एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड और रिन्यूड विच इज टू बी रिपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर देन 36 months। 36 months कितना होता? 3 साल। इन सर्टन सर्कमस्टेंसेज अ कंपनी में डिपॉजिट रीपेबल अर्लियर देन 6 months टू मीट इट शॉर्ट टर्म नीड्स। सच डिपॉजिट मस्ट हैव अ टेन्योर ऑफ मिनिमम 3 months टू मीट इट शॉर्ट टर्म नीड्स। डिपॉजिट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म। डिबेंचर्स जो था वो लॉन्ग टर्म था, डिपॉजिट्स क्या है? शॉर्ट टर्म है। बोला मैंने तुम लोगों को। चलो, सच डिपॉजिट मस्ट हैव अ टेन्योर ऑफ 3 months एंड द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट्स कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ अग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। डन। जो भी इंपॉर्टेंट, ये जो इंपॉर्टेंट है इसको मार्क करके रखो। नेक्स्ट, नो डिमांड डिपॉजिट्स। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स रीपेबल ऑन डिमांड। नेक्स्ट है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। अ कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स विच शुड बी क्लियरली मेंशनड इन द सर्क्यूलर और एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट्स। मतलब तुमको डिपॉजिट्स कहाँ पे इनवाइटिंग करने के लिए डालना है? सर्क्यूलर और एडवर्टीजमेंट में डालने हैं, और वहां पे तुम क्या कर सकते हो? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स दे सकते हो। इफ अ कंपनी ऑफर सिक्योर डिपॉजिट इट हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टैंजिबल असेट्स विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। कितने दिन में? 30 days में। ऑन होम ओनली एंड ओनली टैंजिबल असेट्स। एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू प्रोवाइड द एप्लीकेशन फॉर्म। इट शुड कंटेन अ डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट दैट द डिपॉजिट he is making is not made about any money borrowed by him from other person। क्या मतलब है application form का? उसमें क्या आएगा कि तुमने जो भी deposit किया है वो तुमने किसी और से लेके नहीं किया हुआ है, वो तुम्हारा खुद का पैसा है। ये तो किसी और से लेंगे, फिर वो जब मांगेगा तब तुम फिर से मेरे पास मांगने आ जाएंगे, तो वो तो मतलब यही हो जाएगा बराबर। it is against the rules, against the laws। joint names, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन ज्वाइंट नेम्स ऑफ डिपॉजिटर बट देर शुड बी मोर देन 3 names। मतलब कितने होने चाहिए? 3 नाम होने चाहिए तुम्हारे। कहाँ पे? जब तुम डिपॉजिट कर रहे हो उस टाइम पे, जब भी तुम जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस तुम देख रहे हो उसमें तुम्हारे कितने होने चाहिए? 3 नाम होने चाहिए या मोर देन दैट? मोर देन दैट नहीं होना चाहिए, सॉरी, नॉट टू बी मोर देन 3 months। 3 या उससे कम चलेंगे, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं चलेंगे। एक भी चलेगा। नॉमिनेशन, एवरी डिपॉजिटर एट टाइम हैज टू राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। किसी को भी नॉमिनेट कर सकते, जरूरी नहीं कि तुम्हारे लीगल हेयर ही होने चाहिए या तुम्हारे रिश्तेदारी होने चाहिए, ऐसे कुछ किसी को भी नॉमिनेट कर सकते तुम लोग। अभी थोड़े टाइम पहले बात करी थी अपन लोगों ने किसकी? सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट की बात करी थी, बराबर है। इफ अ कंपनी इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर इट इश्यूज अ सर्कुलर बट इफ इट इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक कंपनी हैज टू इश्यू एन एडवर्टीजमेंट। क्या बोला है यहाँ पे? क्या बोला है उन्होंने? अगर मेंबर से इश्यू कर रही है तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर्क्यूलर डालना पड़ेगा।
और अगर पब्लिक से कर रही है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा. ऑब्वियसली पब्लिक को जाके हर जगह पे बोल तो नहीं सकती ना कि भाई डिपॉजिट इशू कर रहे, डिपॉजिट इशू कर रहे, डिपॉजिट इशू कर रहे. तो तुम क्या कर दोगे, एडवर्टीजमेंट ही कर दोगे कि हम लोग क्या कर रहे, डिपॉजिट इशू कर रहे, है कि नहीं. कंटेंट्स ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, अब ये तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. कौन से पॉइंट है इसमें, मेन पॉइंट, कंटेंट्स ऑफ सर्क्यूलर और एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट क्या है, फाइलिंग ऑफ सर्क्यूलर और एडवर्टीजमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. नेक्स्ट क्या है, इशू ऑफ सर्क्यूलर और एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट वैलिडिटी ऑफ सर्क्यूलर और एडवर्टीजमेंट. ये जो पॉइंट है ना, यहां से लेके यहां तक, ये तुमको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है. कहां आ सकता है तुमको ये. नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी. जैसे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड थे, वैसे कौन है, डिपॉजिट ट्रस्टी भी अपॉइंट होता है. कहां अपॉइंट होता है, व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट्स एलिजिबल कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज हैव टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी. The trustee protect the interest of the depositor in the case of company defaults in repaying the depositors. Company signs a contract with the deposit trustee called as trust deed. It contains the terms and conditions of the contract. The deed has to be signed at least 7 days before issuing the circular or advertisement. ये basically तुम्हारा क्या है, तुमको हर एक चीज करनी पड़ेगी compulsorily. जैसे अपना प्रोसीजर था ऊपर डिबेंचर्स का, इशूइंग डिबेंचर्स कैसे कैसे प्रोसीजर करना है, उसी तरह से डिपॉजिट जब भी तुम कर रहे हो तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तुमको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ऑब्वियस बात है. इसीलिए मैंने बोला कि 20 के 20 तो तुमको करने ही पड़ेंगे, लर्न तुम 11 से 12 कर ही लो तो ज्यादा बेटर रहेगा. अभी तक तो यार फोर्थ चैप्टर तक तो जो भी हुआ है ऑलमोस्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो नो डाउट वो तो आराम से अपना परफेक्टली हो गया है, सब लोगों का परफेक्टली हो गया है, राइट. ओके, अब वो तो हो गया है, लेटर्स 6, 7, 8 नो डाउट, मतलब फॉर्मेट कर लिया तुम लोगों ने. और मेरे हिसाब से तुम लोगों ने घर पे जाके कल फॉर्मेट किया रहेगा, तुम लोगों ने अलग से अगर लिखा रहेगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखा है तो आज लिख लेना, वो टाइम मैं दे रही हूं. लिखा है तो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. बच्चा अभी फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ में मेरे ख्याल से डिबेंचर्स है, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही ऑलमोस्ट चीजें कवर्ड है. ट्रस्ट डीड क्या बोलते हैं उसको, ट्रस्ट डीड क्या होता है, डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, बाकी सारी चीजें क्या होती है, वो तो ऑलमोस्ट अपन लोगों ने देख लिया है, बराबर है. अब आता है ये डिपॉजिट्स, एक ही तो क्वेश्चन है ये, तो कहीं पे भी आ जाएगा दिमाग में, एक ही तो क्वेश्चन है ना ये. अब मेरे को पता है बच्चे क्या करते हैं, पता है क्या, छोटे छोटे पॉइंट्स है ना वो कर लेते हैं कि चलो 20 पॉइंट में से तो छोटे छोटे तीन तीन लाइन के, दो दो लाइन के दिख रहे हैं तो वो कर लेते हैं. और बच्चे वैसे एक्चुअली करते हैं, मतलब इवन आई वाज अ किड एट टाइम, मैंने भी 11, 12 दिया, ठीक है मेरा एसपी नहीं था, मेरा मैथ्स था, बट बाकी तो सब्जेक्ट थे ना, ओसी था, इकोनॉमिक्स था, ये सारे सब्जेक्ट्स थे. तो फिर ऑब्वियसली उस टाइम पे क्या होने का, ऐसे सोचने की कि चलो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जो तीन तीन लाइन के हैं या दो दो लाइन के हैं या एक एक लाइन का, पहले वो कर लेते हैं और एग्जाम में वही सबसे ज्यादा बैड बजा देते हैं, क्योंकि वही चीजें याद नहीं रहती ना अपने को. क्या, अरे ऐसे मत करो रे बाबा, यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स, मतलब अबाव तो 70-75 तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हर स्टूडेंट को मिलना ही चाहिए करके. मैंने अपने रेगुलर क्लास में भी काफी टाइम बोला हुआ भी है दैट आई वांट अबाव 70-75 तो चाहिए चाहिए. अब थोड़े टाइम से मैं 10 तारीख को बोलूंगी कि भाई मेरे को तो 80 के अबाव चाहिए मार्क्स, किसके भी कितने भी हो करके. 20 मार्क्स इंटरनल भी तो मिल रहे हैं ना आप लोगों को, है कि नहीं, तो वहां पे तो 20 मिल जाएंगे, बचे 80, तो यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि इजी पेपर है, स्कोरिंग पेपर है और कुछ नहीं है. 20 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव्स ही आ रहे हैं तुम लोगों को, और क्या चाहिए तुम लोगों को. 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है, 10 मार्क के तुमको उसमें से, हाँ 20 मार्क के इंटरनल, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क का तुमको लेटर आ रहा है, और बाकी तो अपना ब्रीफ है. जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तुम लोगों को खुद को पता है कि कैसे एक एक सेंटेंस में लिख सकते तुम लोग. एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन सिचुएशन, दैट वॉज एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन द सिचुएशन, राइट. उस पर भी तो तुम येस नो, आधे टाइम तो येस नो करना पड़ता है. दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को, ये देखो
स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन. यहाँ पे तो तुमको एनी टू आउट ऑफ थ्री है, मतलब एक क्वेश्चन तीन मार्क के लिए, तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक केस स्टडी को लेके. अब वो केस स्टडी तुम कब कर पाएंगे? जब तुम्हारा लेसन सही से होगा तब तुम वो सही से पढ़ पाएंगे ना, बराबर है कि नहीं? और अब तो भाई मतलब कितना, आज 7 तारीख है, कल पूरा दिन उसी पढ़ने में जाएगा. तो आई नो अगेन यू विल बी रॉकिंग इन दैट एसी वाला ओसी वाला थिंग. कल भी है ना ओसीएम तुम्हारा, सुबह कल लास्ट लेक्चर है मेरे ख्याल से ओसी का, राइट? तो ओसी है, ख़त्म हो जाएगा ओसी भी. उसके बाद 10 तारीख को तुम्हारा रहने वाला है एसपी का पेपर, 11 तारीख को एसपी का पेपर है. 10 तारीख को फुल टू विद एनर्जी यू हैव टू कम बैक, बिकॉज बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, जो लास्ट के चैप्टर्स है बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है. मतलब इजी चैप्टर है वो, तुम पढ़ेंगे ना तो डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सब तो इजी तो है, करेंगे तो सब इजी होता है. चलो क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स. A company accepting secured debentures from public within 30 days of acceptance has to create charge on assets on its tangible assets for an amount not less than amount of deposits accepted. The minimum amount of security should be equal to the amount not covered by deposit insurance. Deposit insurance kitne ka hai? At least 30 days before issue of circular, aur kitna hai? Rupees 20,000 insurance is to be टेकन. ऑप्टेन क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग ऊपर भी देखा अपन लोगों ने, कहा देखा है ऊपर प्रोसीजर्स में, डिबेंचर्स के प्रोसीजर में देखा था अपन लोगों ने. नेक्स्ट है ओपन डिपॉजिट डिमांड रिजर्व अकाउंट. जैसे अपन लोगों ने डिबेंचर्स का बनाया था, वैसे किसका बनाना है? डिपॉजिट्स का भी बनाना है. नेक्स्ट है डिपॉजिट रिसीट. डिपॉजिट की रिसीट भी मिलेंगी ना, तुम पेमेंट कर रहे हो नॉर्मली भी, तुम जब भी पेमेंट करते हो कोई भी चीज करते हो तो तुमको रिसीट मिलती है, बराबर है कि नहीं? नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफ डिपॉजिट्स, फिर आता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 1% इंटरेस्ट फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड स्टेटेड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस. डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड लास्ट इज पनिशमेंट. देखो पनिशमेंट तुमको हर केस में मिलती है. अब तुमको ध्यान में रहेगा, जब तुम होमवर्क भी करके नहीं आते थे तो तुमको कैसे पनिशमेंट मिलती थी? एक आंसर 3 बार लिखेंगे, एक आंसर 4 बार लिखेंगे, एक बार लिखवाया उसके बाद सारे लोग तुम क्या करने लगे? होमवर्क सही तरीके से करने लगे. लेकिन एक बार तो तुमको देना पड़ेगा ना ट्यूशन से कि होमवर्क करके आओ करके, बराबर है कि नहीं? समझा, क्लियर हो गया? चलो तो मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी, अभी जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ. बच्चे क्या करेंगे? 5th चैप्टर स्किप करके जाएंगे. मेरे को पता है ना, मैं जानती हूँ बच्चे क्या करेंगे. 5th चैप्टर स्किप करके जाएंगे. 5th चैप्टर भी है. 5th चैप्टर करके जाएंगे. एक ही क्वेश्चन है, 15-20 मिनट बैठ जाओ अच्छे से वो कर लो, लेकिन तुम वो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाएंगे. चलो फटाफट से बोलो, पक्का प्रॉमिस? वेरी गुड. छोड़ के जाएंगे ना तो मैं भगवान से प्रे करूंगी कि ये क्वेश्चन ये आना चाहिए, इसीलिए छोड़ के मत जाना, मैं अभी बता रही हूँ. और मेरे को पता है तुम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा पोर्शन ऑलमोस्ट कब का हुआ है और तुम लोगों ने रिविजन भी कब से चालू करा हुआ, तो यू वॉन्ट स्किप दैट, है कि नहीं? और हो गया अपना 5th चैप्टर भी, समझा गया तुम लोगों को? 5th चैप्टर भी हो गया? नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ना इसमें. अब ठीक है, हाँ 20 पॉइंट है, इसीलिए मैंने बोला सिर्फ 12 से, अभी मैं 12 से 13 पे जाने वाली थी, बट ठीक है 11 से 12 पॉइंट कर लो तुम अच्छे से, हो जाएगा, समझा? चलो. अरे बहुत लेट लेट बच्चे आ रहे हैं, गुड इवनिंग. 4 बजे चालू होता है बेटा अपना एसपी का लेक्चर. चलो कोई ना. सो वी आर डन विथ 5th चैप्टर, और बहुत छोटा है, एक ही क्वेश्चन था, बराबर है? इसके बाद अपना 6th चैप्टर था, 7th चैप्टर था. अब हम जाएंगे कौन से चैप्टर पे डायरेक्टली? देखो मैं भरोसा कर रही हूँ तुम लोगों पे कि तुम लोगों ने लेटर्स पढ़ा है करके,
वो तो मैंने पढ़ाया ना. वेरी गुड. करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर्स एंड करस्पॉन्डेंस विथ. वेरी गुड. चलो 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 आओ. और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल भी मत भूल के जाना. ऑब्जेक्टिव्स को करके जाना. कैसे फीलिंग आ रही तुम लोगों को आफ्टर 2 years यू आर गिविंग अ पेपर? मतलब वो ए, अरे ऐसे मत बोलो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तुम लोग यार, ऐसे मत करो. नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं चीटिंग नहीं करना है. डिपॉजिटरी सिस्टम, आई होप यू आर फीलिंग गुड कि तुम लोग पेपर दे रहे हो. तुम लोग लकी बैच हो, इतने 2 साल बाद तुम्हारा पेपर आ रहा है. 10th का भी पेपर नहीं दिया था ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ लास्ट का एक पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी, मेरे ख्याल ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी नहीं दिया था तुम लोगों ने. अच्छा चलो, काफी बच्चे वैसे भी खुश हो गए थे क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर अच्छा नहीं, मतलब ज्योग्राफी है तो ऐसे लगता है बापरे ज्योग्राफी है काफी. एलेक्स बेटा आप कहाँ से हो? अगर आपको कोई इंक्वायरी या कोई क्वेरी चाहिए तो आप जो मैंने नंबर दिया है वो नंबर पे आप ये कर सकते हो. हमारा जो क्लास है दैट इज आकाश अग्रवाल क्लासेस, दैट इज AAC इज अ प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट. इट इज अ प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट. ऑफलाइन अगर आपको चाहिए तो इट इज इन पुणे ओनली. ऑफलाइन अगर चाहिए तो इट इज इन पुणे ओनली. एंड अगर ऑनलाइन आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी इंक्वायरी चाहिए या कोई भी चीज़ मतलब क्लासेस चाहिए, तो इट इज़ पैन इंडिया क्लास. हमारा जो क्लास है दैट इज आकाश अग्रवाल क्लासेस, ये पूरा पैन इंडिया पे क्लास है. तो यू विल गेट ऑल दी डिटेल्स इफ़ यू कॉल ऑन द गिवन नंबर. जो आपको नंबर दिया हुआ है उस पर आप अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे. राइट. वैसे तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स भी तैयार हो रहे हैं CA और CMA के लिए, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए, और बहुत एक्साइटेड भी है ना? काफ़ी लोग एक्साइटेड भी है. 5th of April, अगेन आई एम सीइंग 5th of April से विल बी स्टार्टिंग विद CA एंड CMA क्लासेस. CA एंड CMA फाउंडेशन के क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. चलो चालू करें. वील बी स्टार्टिंग विद इट चैप्टर नंबर 9, दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम. दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट. इंट्रोडक्शन, उसके पहले यहां पे लिखेंगे अपन लोग कौन से क्वेश्चन रिड्यूस्ड है. चलो, मेरे को पता है ना बाकी चीजों से खुशी मिलेंगी या ना मिलेंगी मेरे को पता है, लेकिन जब रिड्यूस क्वेश्चन की बारी आती है तो हाँ मैम बताइए कौन से रिड्यूस क्वेश्चन है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमको नहीं करने हैं. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डीमटेरियलाइजेशन. यहां पे सिर्फ प्रोसीजर बोला है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, नहीं तो डीमटेरियलाइजेशन को ही हटा दोगे पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से. ऐसा करना मत. हाँ नहीं 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 नहीं, सिर्फ प्रोसीजर पूछा है. शॉर्ट नोट्स में डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है आ सकता है, नहीं तो फिर तुम लिखेंगे नहीं उसको. चलो चालू करें. लिखा तुम लोगों ने रिड्यूस क्वेश्चंस, तुम्हारे रिड्यूस क्वेश्चंस लिखे तुम लोगों ने, फटाफट से लिखो जल्दी जल्दी जल्दी. चलो
सिक्योरिटीज कौन से टाइप्स में होती है? सिक्योरिटीज तुम्हारी दो टाइप में होती है, कौन से इसमें रहेगी बताओ जल्दी जल्दी। एक है फिजिकल और एक है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, एक है फिजिकल और एक है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। फिजिकल मतलब अच्छा अभी अभी के टाइम में फिजिकल चल रही है या इलेक्ट्रॉनिक वे में चल रही है? इलेक्ट्रॉनिक मोड में चल रही है राइट। लेकिन पहले जमाने में क्या होने का? फिजिकल मोड में चलने की। पहले जमाने में किस में चलने की? फिजिकल मोड में चलने की। जो भी तुम्हारी होल्डिंग सिक्योरिटीज है, कौन से सिक्योरिटीज होते तुम्हारे? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारे तुम्हारे क्या है? सिक्योरिटीज ही है। मेरे को पता है जैसे जैसे तुम्हारी एग्जाम्स आ रही है तुमको बहुत जोश आ रहा है, और मेरे को ये भी पता है कि जैसे जैसे एग्जाम्स खत्म होने वाली है तो तुमको और जोश आने वाला है। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होगी तुमको ये भी पता है कि तुम्हारा फाउंडेशन के क्लासेस चालू होने वाला है, सो गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो। फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज, फिजिकल मोड मतलब क्या? ऑब्वियसली पेपर वाला मोड, पेपर मोड रहता है। तो मतलब क्या लगता है तुमको उसके डिसएडवांटेजेस रहेंगे या नहीं रहेंगे? ऑब्वियस बात है कि उसके डिसएडवांटेजेस ही डिसएडवांटेजेस रहेंगे। लेकिन 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 यही एक चीज था जो पहले भी तुमको काम आता था। पहले इलेक्ट्रॉनिकली कुछ था क्या? नहीं। तो फिजिकली सब हो रहा था ना फिर तब। डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिकल मोड सिक्योरिटीज, होल्डिंग सिक्योरिटीज, पहला क्या है? रिस्क। सर्टिफिकेट्स ऑफ पेपर कैन बी लॉस्ट, डैमेज, टोन, स्टोलन, मिसप्लेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट एक्सेट्रा। अभी तुम एक खुद नॉर्मल सी चीज बताओ, तुम्हारे पास पेपर है, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, नॉर्मल डॉक्यूमेंट भी नहीं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो तुम क्या क्या करेंगे? मतलब क्या डिसएडवांटेजेस रह सकते हैं वो नॉर्मल पेपर को लेके? क्या लगता है तुमको? यू कांट, मतलब ठीक से तुमको संभाल के रखना पड़ेगा, बराबर है। फिर एक ही चीज के तुमको 10 फोटोकॉपीज निकाल के रखनी पड़ेंगी, एक गुम हो गया तो दूसरा, दूसरा गुम हो गया तो तीसरा, जब वो 10वां गुम होगा तो तब तुम क्या करेंगे फिर? है कि नहीं? ठीक है ओरिजिनल तो है, लेकिन ओरिजिनल भी फट गया तो फिर क्या करेंगे तुम लोग? कंपनी के पास जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो ये है, और फिर आगे क्या और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं तुम्हारे? एक तो अपन लोगों ने देखा रिस्क है कि फट सकता है, खराब हो सकता है, हाँ चोरी हो सकता है। दूसरा वाला क्या पॉइंट है? एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स इन्वॉल्व टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। फिर डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टेक्स लॉन्गर टाइम। बैंक में जाते हो, पहले जमाने में बैंक में जाते थे, नया बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, चलो ये फर्स्ट काउंटर पे वहाँ पे फॉर्म लो, सेकेंड काउंटर पे जाओ वहाँ पे स्टैम्प लो, थर्ड काउंटर पे जाओ वहाँ पे पैसे भरो, फोर्थ काउंटर पे जाओ वहाँ पे रिसीट भरो। ये तो बैंक की बात हो गई। पहले जमाने में जब कॉलेजेस के एडमिशन होने के तो कैसे होने के? काउंटर पे रुको फॉर्म लो, मैन्युअली होने के काउंटर पे रुको फॉर्म लो, दूसरे काउंटर पे जाओ फॉर्म फिल किया हुआ वो चेक करवा के आओ, तीसरे काउंटर पे जाओ वहां पे साइन लेके आओ, चौथे काउंटर पे जाओ फी रिसीट लो, पांचवें काउंटर पे जाओ फीस भरो, फिर वो फीस रिसीट लेके फिर से ऑफिस में जाओ। कितनी झंझट मारी, बापरे बापरे टाइम लगता है। और अभी ऑनलाइन, एक बार सब सबमिट किया ऑनलाइन में खत्म। डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, मेरे हिसाब से अभी जिंदगी में तुम कभी नहीं भूलेंगे ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एटलीस्ट, है कि नहीं? वो तो कभी नहीं भूलेंगे और इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो तुम प्रे करो कि आना ही चाहिए वो एग्जाम में। और मेरे को ऐसे फुल ऐसे इंटर मतलब अंदर से ऐसे पूरा ये है कि वो तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुमको, जितना मेरे को ऐसे है ना वैसे। मोर टाइम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एट इट इन्वॉल्व एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, Delivering certificate which are torn, forged, etc. creates a problem in buying and selling of securities. बराबर। Next कौन सा है अपना? Electronic और dematerialized mode of holding securities. It means securities are held in electronic or dematerialized form. Dematerialized का मतलब क्या है? Converting your securities from physical into electronic mode. दो टाइप आते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, एक तो ऑलरेडी अभी जो इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली है, दूसरा क्या है? जो फिजिकल है, और फिजिकल को तुम किस में कन्वर्ट कर रहे हो? तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करते हो, उसको तुम लोग क्या बोलेंगे? डीमटेरियलाइजेशन। मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर होल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
The transfer and settlement of securities are done electronically. It maintains account of shareholders, enables transfer, collects dividend, bonus shares, etc. on behalf of shareholder. This is also called as scriptless trading system. इसको mark करके रखेंगे सब लोग. It is also called as what? Scriptless trading system. बराबर. चलो, दो टाइप ऑफ डिपॉजिटरीज है. कौन से दो टाइप ऑफ डिपॉजिटरीज है? एक है NSDL और दूसरा क्या है? CDSL. एक कौन सा है NSDL और दूसरा कौन सा है? CDSL. अच्छा, ये जो है ये क्या रहेगा तुम्हारा? ये तुमको किस में आ सकता है? नेम द फॉलोइंग में आ सकता है. तुक्के से कोई भी आंसर मत मारना, लेकिन आएगा तो भी तुक्का मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को पता है तुम लोग कैसे बच्चे हो. In India, the depository system was introduced by passing the Depository Act in 1996, a favorite year. NSDL और CDSL, ये दो depository systems है तुम्हारे. अब देखेंगे अपन लोग directly क्या benefits, क्या देखेंगे अपन लोग benefits. Benefits and advantages of depository system. अब इसमें दो टाइप ऑफ बेनिफिट्स है. कौन से है? एक है टू इन्वेस्टर्स और दूसरा कौन सा है? टू कंपनीज. दो वेज है, दो बेनिफिट्स रहेंगे. किसको किसको? एक इन्वेस्टर्स को रहेंगे और एक किसको रहेगा? किसको रहेगा? कंपनीज को रहेगा. इन्वेस्टर्स को क्या है? एलिमिनेशन ऑफ रिस्क. अभी किसकी बात कर रहे हैं अपन? डिपॉजिटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो कौन से वे में है? इलेक्ट्रॉनिक मोड में है. बराबर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक मोड में है अभी तुम्हारा. ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिलेज, लॉस, थेफ्ट, मल्टीलेशंस, बैड डिलीवरीज एक्सेट्रा आर टोटली एलिमिनेटेड. सेफ्टी है, फटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली है. जब चाहिए, जब मन करे तब ले लो. बराबर है कि नहीं? इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अपडेट्स एंड इंटीमेशन. अब तुम नॉर्मल चीज देखो ना, एक बार अगर तुमने गूगल पे से तुम्हारे पेमेंट कर दिया, हर महीने आता है या नहीं आता है कि तुम्हारा अमाउंट ड्यू है इलेक्ट्रिसिटी का, तो तुम्हारा अमाउंट ड्यू है पे करो, तुम्हारा अमाउंट ड्यू है पे करो. आता है या नहीं आता है? आता है. बराबर है. तो अपडेट्स आते रहते हैं, इंटीमेशन आते रहते हैं. अभी तुम एक बात नॉर्मल सी भी समझो. अब बेटा, अकाउंट्स अभी चालू हुआ नहीं है, अकाउंट्स बहुत जल्दी चालू होने वाला है. तो ये रहा हमारा टाइम टेबल, मैं एक बार आपको बता देती हूँ. ये टाइम टेबल है हमारा, आप जाके देख सकते हो. 12 से 17 मार्च, 12 से 17 मार्च को अकाउंट्स होने वाला है. 5 to 6:30 PM होने वाला है. तो अकाउंट्स तब से स्टार्ट होगा, डेफिनेटली आप जरूर देखिएगा, राइट? अच्छा, तुम एक नॉर्मल सी चीज देखो ना, जब तुम अमेजोन या कोई चीज पे भी जाते हो, कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाते हो, एंड यू डोंट परचेस इट, हाँ, मतलब तुम कार्ट तक जाते हो और वापस आ जाते हो, तो बार बार तुमको उनके नोटिफिकेशन आते या नहीं आते? कि मतलब तुम्हारा कार्ट में अभी तक है, फटाफट से खरीदो, ऑफर है तुम्हारे लिए. अगर वो भी नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी मैसेजेस आते हैं क्या? ऑफर चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, खरीदो 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 करके मैसेजेस आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं. बराबर है कि नहीं? तो दीज आर वॉट अपडेट्स आर इंटीमेशंस. नेक्स्ट है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. Dematerialized securities are preferred by banks and financial institutions as security against loan. Next है no concept of lots. Lots में कोई भी concept नहीं है. Individually जो भी करना है सब individually होगा. Nomination facility, automated credit. Credit का मतलब तुमको ये पता है क्या चीज? बैंक्स को तुम ऑलरेडी ये नोटिफाई कर देते हो, लाइक फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात चल रही है, तो बैंक को तुम ये ऑलरेडी नोटिफाई कर देते हो कि हर महीने तुम अपने साइड से मेरे बैंक से कट करते जाना, मेरे को पूछना मत. और मैं मतलब ऑब्वियसली उसकी फॉर्मेलिटीज रहती है, वो फॉर्मेलिटीज करनी रहती है तुम लोगों को. और ऑटोमेटिकली बैंक को हम लोग वही नोटिफाई करते कि जब जब तुम्हारा डेट आएगा, जब जब डेट आएगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का, तो अपने आप मेरे बैंक अकाउंट से कट करते जाओ आप. फिर बार बार मेरे को भी देखने को नको और वो नहीं करने को, इसलिए फिर क्या है ऑटोमेटेड क्रेडिट, कि फटाफट से तुम खुद ही तुम्हारे साइड से पेमेंट कर लो, मतलब मेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट कर लो करके. बराबर है, पता है क्या तुमको ये चीज? क्या? हाँ हाँ, इसी है. हाँ बराबर है.
LIC भी पे करते हो या ऐसे भी कुछ करते हो, तो ऑब्वियसली उनके पास से हम लोगों ने ऑलरेडी नोटिफाई करके रखते कि तुम क्या करोगे, मेरे बैंक अकाउंट से अपने आप क्रेडिट हो जाता है, वो अपने आप पे हो जाता है करके. कंपनीज टू द कंपनीज क्या एडवांटेजेस है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी. फिर नेक्स्ट है रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स. क्या है रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स, कोई कॉस्ट नहीं, कोई झंझट मारी नहीं, पेपर का वेस्टेज नहीं बेसिकली अगर वैसे देखा जाए तो, है कि नहीं. बेटर इन्वेस्टर और कंपनी रिलेशनशिप. एंड लास्ट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. कंपनीज के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना, अपने लिए तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इन्वेस्टमेंट. मतलब अगर कोई अच्छा बिजनेस भी कर रहा है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला चीज, इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिकली जो भी होना तो फायदे होता है थोड़ा बहुत. समझा क्लियर? तो किसको किसको फायदा है, टू इन्वेस्टर्स एंड टू कंपनीज. अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग फायदे भी दिए हुए हैं यहाँ पे, बराबर है कि नहीं. चलो अरे बेनिफिट्स, ऐसे क्या कर रहे हो, बेनिफिट्स. चलो अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, दैट इज व्हाट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. क्या क्या है, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, द बेनिफिशियल ऑफिसर, द इश्यूअर कंपनी. क्या क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बेनिफिशियल ओनर और इंश्योरर कंपनी. इश्यूअर कंपनी. चलो इनके अभी थोड़े बहुत जानकारी ले लेते हैं, इनका बायोडेटा ले लेते हैं. डिपॉजिटर कौन होता है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सेंट्रल बैंक वेयर सिक्योरिटीज आर होल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट. इट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन सच सिक्योरिटीज. ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखेंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर का. डन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी. देर इज नो डायरेक्ट एक्सेस टू इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटर्स एंड इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन. ये डिपॉजिटर्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन इंटरनल वाला लाइन, कि इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द कंपनीज एंड द इन्वेस्टर्स. आई कंपनी, यू इन्वेस्टर्स, अपने बीच में जो लिंक है वो कौन क्रिएट कर रहा है, डिपॉजिटर्स. कौन कर रहा है, डिपॉजिटर्स. नेक्स्ट है डीपी, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करता है, एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रथमेश, तो ही इज वॉट, अ एजेंट, ही इज डिपॉजिटरी. और डिपॉजिटरी का और एक एजेंट होता है, उसका नाम क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. आई कंपनी, यू इन्वेस्टर्स, प्रथमेश इज डिपॉजिटर और उसका एजेंट कौन होगा, डीपी, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट. आई नो दीपक, डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट. इट एंजॉयज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज स्पेसिफाइड अंडर सेबी रेगुलेशंस ऑफ 1996. अपन लोगों ने 2008 देखा, 2019 देखा, यहाँ पे कौन सा वाला चल रहा है, सेबी 1996. इट इज एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटरी. मतलब एजेंट और इंटरमीडियरी मतलब क्या, डिपॉजिटरी का एजेंट, दैट इज डीपी. डीपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर. अभी यहाँ पे लिंक लगी है, देखो अभी देखो. आई अगेन अ कंपनी, यू पीपल इन्वेस्टर्स, बराबर, इनके बीच में कौन है, डिपॉजिटरी है, बराबर है. अब डीपी के लिए अपन लोगों ने क्या देखा है, डीपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में कौन लिंक बना है, डीपी. इट डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर
It sends statement of account periodically. It functions like a security bank and it facilitates dematerialization. समझा क्या? अरे है ना आगे क्या समझा? रुको. It credit securities in the event of right issue, bonus issue. Right issue मतलब क्या? जो भी decided price है उसको तुम क्या कर रहे हो? Right issue होता है. और bonus issue मतलब क्या? Free में दे रहे हो. किसको दे रहे हो? Existing equity shareholder. ये दोनों चीजें किसको मिलती है? Existing equity shareholder. It handles instant transfer of payouts like dividend, interest, etc. It settles trade electronically. Following can work as the DP. ये सारे कौन है? ये सारे as DP काम कर सकते हैं. DP कौन है? It is an agent or it is an intermediary between whom? Depositor and investors. The DP maintains account of securities of each investors and it has a unique number for identification. समझा? क्लियर? चलो, इसीलिए मैंने बोला ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक लिंक ही करना है कि कौन किसके बीच में आता है, कौन किसके बीच में नहीं आता है, कौन किसका एजेंट है, कौन किसका इंटरमीडियरी है, ये सब आएगा इसमें. द बेनिफिशियल ओनर, द बीओ इज द इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज हु हैव अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. BO is entitled to all rights, benefits and is subject to all liabilities with respect to securities held by the depository. The BO can also be called as a client of depository and DP. BO kya rahega? In dono ka kya rahega? Client. Kaun hai client? BO. That is beneficial owner. BO is required to open a DMAT account with the DP for electronic holding of the securities and he has to pay charges to the DP for availing the services of DP. मेरे को एक बात बताओ, कोई भी एजेंट क्यों ना हो, तुम उनको पैसा देते हो ना, और ऐसे होता है कि अगर तुम नॉर्मल जाते हो तो कम पैसा लगेगा, लेकिन अगर एजेंट के थ्रू जाते हो तो ज्यादा पैसा लगता है क्योंकि एजेंट ही तुम्हारे सारे काम करते हैं, तुमको तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर लर्निंग क्या बोलते हैं उसको, लाइसेंस के लिए भी जाते हो, डायरेक्ट जाते हो तो कम मिलता है, एजेंट के थ्रू जाते हो तो आधे से ज्यादा एजेंट को ही देना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वही करता है, अपने को सिर्फ जब ड्राइविंग ऐसे गाड़ी दिखाना रहता है तब जाते हैं. बराबर है? कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि खुद भी नहीं जाता वो इंसान, वो अपने आप ही हाँ वही कर लेता है, तो फायदा नहीं है ऐसे, मतलब गलत हो जाता है ये तो फिर. द इश्यूअर कंपनी, it means the company which has issued the securities which are dematerialized and it must registered with the depository. Clear? कौन से चार points है, कौन से चार लोग हैं important? depository participant, beneficial owner that is BO and issuer company. Concepts related to depository system, ऐसे कौन से? मैंने क्या बोला तुम लोगों को, प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर नहीं है. डीमटेरियलाइजेशन का क्या मतलब है? वो है क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिकली अगर बेस्ड है तो डीमटेरियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है ना, मतलब उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हटा दिया बेसिकली अगर वैसे देखा जाए तो. प्रोसीजर ही नहीं बोला है, मतलब प्रोसीजर ही उन्होंने रिड्यूस करवा दिया है. डन? समझा क्या? चलो, कंसेप्ट्स और टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम. Dematerialization, that is DMAT. It is a process whereby a client can get physical certificate converted into electronic mode. ये लाइन याद रखो, क्या है? Physical certificates to electronic mode. The client has to surrender the certificates along with the DMAT request form. The DP forward this to depository who in turn forward it to the इश्यूअर. क्या करती है पहले, चलो ये स्टोरी हो गई, अभी ये थोड़ा स्टोरी जैसे तुमको लर्न करना पड़ेगा. पहले क्या होता है कहानी में, क्लाइंट आता है, क्लाइंट क्या करता है, उसे सरेंडर कर देता है सर्टिफिकेट्स. कौन से सर्टिफिकेट्स? फिजिकल सर्टिफिकेट्स, ऑब्वियसली क्योंकि ही वांट हिज सर्टिफिकेट्स टू बी इलेक्ट्रॉनिकली इशूड. तो क्या होता है, सर्टिफिकेट्स करता है इन द फॉर्म, कौन सा? डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. फिर डीपी क्या करता है, डीपी फॉरवर्ड करता है किसको? डिपॉजिटरी को फॉरवर्ड करता है. वही इंसान फिर डिपॉजिटर किसको फॉरवर्ड करता है? इश्यूअर को फॉरवर्ड करता है. दैट इज यू पीपल, आई कंपनी यू इश्यूअर ना, तुम लोगों को फॉरवर्ड करता है. फिर आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम इश्यूअर
द डिपॉजिटर विल क्रेडिट द सिक्योरिटीज इन द डिमांड अकाउंट विद डीपी. इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोई भी चीज रही तो फिर क्या होगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, राइट. रीमटेरियलाइजेशन का मतलब, अभी तुम्हें बताओ रीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या रहेगा, क्या लगता है तुम लोगों को रीमटेरियलाइजेशन का मतलब? इलेक्ट्रॉनिक मोड से तुम किसमें जाते हो, फिजिकल मोड में जाते हो. वहां पे भी तो प्रोसीजर रहेगा, राइट. क्या प्रोसीजर है, क्या कहानी है? द क्लाइंट हैज टू गिव रिटन रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ RRF टू द डीपी. यहाँ पे कौन सा फॉर्म है अभी, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. ऊपर कौन सा फॉर्म था, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. ये जो थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, ये तुम्हारे आंसर में आने चाहिए. तो तुम्हारे आंसर का सेंस है, नहीं तो कोई भी सेंस नहीं है. तुम्हारे आंसर में ये आने चाहिए. द डीपी फॉरवर्ड्स द RRF टू इशुअर एंड द डिपॉजिटर. द इशुअर प्रिंट्स द सर्टिफिकेट एंड सेंड देम टू द क्लाइंट एंड साइमल्टेनियसली कन्फर्म्स द एक्सेप्टेंस ऑफ रीमैट रिक्वेस्ट टू द डिपॉजिटर. द डिपॉजिटर वायर डीपी डेबिट्स अकाउंट ऑफ द क्लाइंट विद दोज सिक्योरिटीज. फंजिबिलिटी. इन फाइनेंशियल टर्म फंजिबिलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल. सम फाइनेंशियल असेट्स आर फंजिबल वाइल सम आर नॉट. एग्जाम्पल, लैंड इज नॉट फंजिबल एज एवरी यूनिट ऑफ लैंड हैज इट्स यूनिक क्वालिटी विच एड्स टू रेड्यूस इट्स वैल्यू. नेक्स्ट क्या है, करेंसी नोट इज फंजिबल एज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू करेंसी नोट्स ऑफ द सेम वैल्यू. इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये अगेन, हाँ अगेन, ये जो है ना, ये तुम्हारा क्या आ सकता है, तुमको किसमें आ सकता है, तुमको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है. किसमें, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ISIN. और ये मैंने तुमको ध्यान में रहेगा जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है PDF, उसमें भी डाला हुआ है. अच्छा, और एक चीज, अभी इसके पहले के जो भी, फिर से मैं बता रही हूँ, इसके पहले के जो भी रिविजन्स हुए हैं उसकी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. अगर आपने लेक्चर्स मिस किया रहेगा, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे रहेंगे, तो डू गो एंड वॉच द लेक्चर्स. और उसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट PDF है, वो जो वीडियो है, तो वो भी डाला हुआ है, जहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो तुमको करके ही जाने हैं, जो तुमको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. समझा? ISIN क्या है? इट इज अ कोड यूनिकली आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी इशू. ISIN इज एनी कंट्री आर अलॉटेड बाय द कंट्री NNA, दैट इज नेशनल नंबरिंग एजेंसी. ISIN इज अ स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली. एंड कितने नंबर्स का है? इट कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट अल्फा न्यूमरिक कोड विच इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट. तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 12 है तो कितने हो गए, 4 4 4, बराबर. द कंपनी हैज टू अप्लाई फॉर ISIN फॉर इट्स सिक्योरिटीज विथ डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रोस्पेक्टस. बराबर है कि नहीं? हाँ, समझा क्या? ये क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फटाफट से आएंगे डिपॉजिटरीज इन इंडिया. डिपॉजिटरीज इन इंडिया कौन से डिपॉजिटरीज है? दो टाइप के डिपॉजिटरी सिस्टम है. कौन से है? NSDL और CDSL. NSDL और CDSL. NSDL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. और CDSL का क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड. अभी इसमें कोई ऐसे समझाने वाली जैसी बात नहीं है. जैसे अभी लॉ रहता है, लॉ है तो है, यही स्टेटेड है तो यही स्टेटेड है. ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट. तो सेम NSDL का भी यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. एंड अगेन, जब तुम PDF में जाएंगे तुमको दिखेगा NSDL और CDSL इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1996. ये चैप्टर के जो भी चीजें आई है डिपॉजिटरीज, वो किसमें आई है? 1996 में आई है. इट इज प्रमोटेड बाय IDBI एंड यूनिट ट्रस्ट एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. NSDL हैज इट्स हेडक्वार्टर इन
मुंबई, कहाँ पे हेडक्वार्टर? मुंबई में है. NSDL इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी. NSDL provides various services to investors and other players in capital market like stock exchange, banks, issuer, clearing members, etc. It renders services like account maintenance, dematerialization, rematerialization, settlement of trade through market transfers and off-market transfer, nominations, transmissions, distributions of non-cash, corporate actions, dividends. मतलब बापरे बापरे बापरे, कितने काम कर रहा है एक साथ में, बहुत सारे काम कर रहा है. नेक्स्ट है CDSL, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे. CDSL, इट इज बिगिन इन ऑपरेशन इन फेब 1999. CDSL कब आया? फेब में 1999 में आया. इट वॉज प्रमोटेड बाय होम? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जॉइंटली विथ सेवरल बैंक. इट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई एंड CDSL हैज अ वाइड DP नेटवर्क एंड ऑफर्स द DMAT सर्विसेज सिमिलर टू NSDL अक्रॉस द कंट्री. मतलब ये जो सर्विसेज है ना, ये सेम सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? CDSL भी प्रोवाइड कर रही है. बोथ दिस इंस्टीट्यूशंस हैव प्लेड अ ट्रेमेंडस रोल इन सक्सेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम्स इन इंडिया. समझा क्या? टुडे वी आर डन विद 3 चैप्टर्स, दैट इज 4th चैप्टर, 5th चैप्टर. और फिफ्थ चैप्टर में तो मैं फिर से बोल रही हूँ, फिफ्थ चैप्टर छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है तुम लोगों को. अगर छोड़ के गए तो ध्यान रखना. क्या एक ही आंसर है उसमें यार, मैंने तुमको बोला है बाकी सब रेड्यूस्ड है, सिर्फ एक ही आंसर तो करके ही जाना. 20 पॉइंट है ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन 12 पॉइंट तो कर सकते हो तुम लोग, 10 से 12 पॉइंट बराबर. और लास्ट में जो ये 9th चैप्टर है, ये तो मतलब दिखने में बड़ा लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कंटेंट जो है पूरा कंसेप्ट वैसे है. हाँ, क्यों किस लिए क्या कुछ नहीं है, ये ऐसा है तो ऐसा ही है. तो NSDL, CDSL, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, ये सारे तुमको प्रोसेसेस इसमें दिए हुए हैं. समझा? क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम तो डायरेक्ट मिलेंगे कब? कल OC का लेक्चर रहेगा सुबह, बराबर है? तुम्हारा OC का लेक्चर रहेगा. परसों क्या रहने वाला है तुम्हारा? परसों OC का एग्जाम है. सो मैं तो कल मिलूंगी नहीं. सो आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सारे स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट. डू रॉक, अच्छे से लिख के आना पेपर तुम लोगों का. एंड अगेन आई एम टेलिंग, डू कमेंट कि तुम्हारा पेपर कैसे गया. डू कमेंट. एंड उसी के साथ साथ हम मिलेंगे फिर से दोबारा, कौन से तारीख को? 10 तारीख को. और उसी के साथ साथ 11 तारीख को अपना SP का पेपर है, तो वो भी भूलना मत. वो फाड़ देंगे एक्चुअली. वो क्या करेंगे तुम, ऐसे नहीं यार, सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे ही रहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे. पेपर मत फाड़ देना, पेपर मत फाड़ देना. पेपर में जो लिखेंगे वो अच्छे से लिख के आ जाना, बस. समझे क्या? चलो ओके, चलो बाय बाय.